सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है। और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पर भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई होगी, स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने।